आप अपने बच्चों को कावड़ लेने जाने से रोकिए कि आप अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने पतियों को, अपने पिता को किसी भी सूरत में कावड़ लेने जाने से रोकिए, क्योंकि इसमें आपकी बर्बादी होती है। हमारे समाज के गरीब समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, वो कावड़ लेने क्यों जाते हैं? या जो बड़े मठों पर बैठे हैं, वो लोग और उनके बच्चे कभी कावड़ लेने नहीं जाते। आज हमारे समाज के मुंह पे लोग थूक रहे हैं, थूक चटवा रहे हैं, हमारे समाज के मुंह पे लोग मूत रहे हैं। एक तो अपने बच्चों को आरएसएस में, बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में जाने से रोकिए, उनको पढ़ाई के रास्ते पे डालिए, और आप कावड़ लेना जाना बंद कीजिए, कथा सुनना बंद कीजिए। क्योंकि जो कथावाचक हैं, बेसिकली इनके भी आप, इनकी वाणी देखिए, इनकी वाणी के अंदर भी आपको नफरत नजर आएगी। आज मैं आपके सामने आया हूं अपने समाज के बच्चों के भविष्य के लिए और समाज के स्वाभिमान के लिए आप सबसे कुछ मांगने के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब भी ये सावन का महीना आता है और कावड़ का समय आता है, तो जो लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं, आखिर वो जाते किस लिए हैं? कौन सी वो चाहत है जिस चाहत की पूर्ति के लिए वो लोग जाते हैं? अगर आप देखें कि जिनके पास भरमार पैसा है, भरपूर पैसा है, जो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं, या जो बड़े मठों पर बैठे हैं, वो लोग और उनके बच्चे कभी कावड़ लेने नहीं जाते। हमारे समाज के गरीब समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, वो कावड़ लेने क्यों जाते हैं? आप अपने बच्चों को कावड़ लेने जाने से रोकिए, क्योंकि जब वो कावड़ लेने जाते हैं तो कम से कम 10-15 हजार रुपया खर्च करते हैं, और साथ ही साथ अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो 15 दिन की स्कूल की छुट्टी करते हैं, कॉलेज की छुट्टी करते हैं। और जो लोग प्राइवेट कहीं नौकरी कर रहे हैं, कंपनी में, किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, तो वो कम से कम 15 दिन की छुट्टी करते हैं। एक तरफ उनकी